हेलो मेरे प्यारे बच्चों स्वागत है आप सभी का दौड़ स्कूल में आज हम इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड पैसेज के बारे में बात करने जा रहे हैं आप मैथ्स और रीजनिंग पे तो ध्यान अच्छे से देते ही होंगे मैं चाहता हूं कि आप पैसेज पे आप लैंग्वेज पे भी ध्यान दो ताकि ये पोर्शन आपका वीक ना पड़े ठीक है तो मैं जो बताने जा रहा हूँ पैसेज इसको ध्यान से देखिएगा पढ़िएगा इसे करने का प्रयास कीजिएगा ताकि ऐसा हो कि आपका एक प्रैक्टिस बनते रहे लैंग्वेज में भी और एग्जाम तक आते, आते आते आप इस पोर्शन को भी अच्छे से अच्छा स्ट्रॉन्ग कर पाओ और एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाओ ठीक है ना तो ये क्या है आपका ऑल इन वन इंग्लिश पैसेज है तो पैसेज को देखना पैसेज को पढ़ना अप्रोच कैसा रहेगा पैसेज में कि हम पहले पैसेज को पढ़ेंगे उससे पैसेज को पढ़ने से पहले आपको क्या करना है पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है पैसेज को तो पढ़ना ही है पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है आप क्या करना ऐसे ही जल्दी से रीड कर जाना क्वेश्चंस को ताकि ऐसा हो कि जब भी आप पैसेज पढ़ो तो आपको मालूम चलने लगे कि हाँ इसमें ये वर्ड्स आए हैं क्वेश्चन में ऐसे वर्ड्स आए हैं तो उन वर्ड्स को आप क्या करो अंडरलाइन करते जाओ या मार्क करते जाओ जब आप फिर से क्वेश्चन पढ़ो तो आपको वहाँ तुरंत चल जाएगी फोकस कि हाँ वहाँ ये क्वेश्चन है उसको ऐसे करना है ऐसे करके करेंगे हम तो क्या है आपका इंग्लिश पैसेज है पैसेज को देखिएगा अच्छे से जैसे है ये पहला पैसेज है तो पैसेज को पढ़ने से पहले क्या करना है आपको आपको क्वेश्चन पढ़ने तो क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो व्हाट डज इट मीन टू बी एन एडवोकेट ऑफ ट्रूथ ठीक है एन एडवोकेट ऑफ ट्रूथ नेक्स्ट है व्हाट डज गांधी जी क्लेम ठीक है उसका अगला है द एंटोनिम ऑफ इटरनल इटरनल का एंटोनिम नेक्स्ट है आई थिंक द वर्ड सेंट शुड बी टेकन फ्रॉम द प्रेजेंट लाइफ द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड ठीक है लाइफ लाइफ वर्ड है ना यही अंडरलाइन है तो आपको बताना है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है लाइफ वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ठीक है नेक्स्ट है वाई कैन नॉट गांधी जी क्लेम टू बी अ साइंटिस्ट ठीक है साइंटिस्ट अपने आप को क्लेम क्यों नहीं कर पा रहे थे गांधी जी नेक्स्ट आपका ठीक है इतना ही है तो देखिए जल्दी से आप जल्दी से पढ़िए व्यूज आर ऑफ़ गांधी ही सेस आई थिंक द वर्ड सें शुड बी टेकन फ्रॉम द प्रेजेंट लाइफ इट इज सच अ सेक्रेट वर्ड दैट इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू एसोसिएट इट विथ एनी वन लेस विथ अ मैन लाइक मी हु प्रोफेस टू बी ओनली अ सिंपल ट्रूथ सीकर हु ट्रांसेंड्स his limit and his lusts and make mistakes whenever he can one who then accepts them without hesitation and who unhesitatingly admits that he is experimenting with some of the eternal truth of life like a scientist okay but he cannot claim to be a scientist either because he has no direct evidence of the scientific validity of his method nor he can show such direct result of his experiments as modern scien science requires even if it is possible to call me a saint it's time, for, it's, ti its time is far away i don't feel like a saint by any means but in spite of unintentional mistakes and omissions फील माई सेल्फ टू बी ऑन the साइड ऑफ ट्रूथ ठीक है ये आपका पैसेज हो गया अब आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर कीजिए व्हाट डज इट मीन टू बी एन एडवोकेट ऑफ ट्रूथ ठीक है? ट्रूथ का एडवोकेट होना बताओ क्या होगा एक्सेप्ट दूथ सपोर्ट दूथ डिनाइड ट्रूथ या नन ऑफ दीज जल्दी से फास्ट कमेंट सेक्शन में आंसर करो आप लोग एक्सेप्ट द्रूथ सपोर्ट द ट्रूथ डिनाई द ट्रूथ या नन ऑफ दीस तो आप कहोगे एडवोकेट ऑफ ट्रूथ कौन होंगे जो सपोर्ट करेंगे ट्रूथ को ठीक है ना ओके नेक्स्ट है मैं बताते जाऊंगा आप भी आंसर करते जाइएगा व्हाट डज गांधी जी क्लेम ठीक है व्हाट डज गांधी जी क्लेम टू सिक द ट्रूथ टेक दि साइड ऑफ ट्रूथ एडमिटिंग हिज मिस्टेक्स को देखिए आपको वो क्या बोले हैं? भी बोले हैं देखो ट्रूथ सीकर हम साइड लेते हैं ट्रूथ का क्या है देखो इट इज सच ए अ मैन लाइक हु प्रोफेस ओनली बी अ सिंपल टू हू ट्रांसलेट हिज लिमिट एंड लस्ट एंड मेक्स मैन एवर मिस्टेक कैन देखो यहां कहे हैं एंड मेक्स मिस्टेक्स वेन एवर ही कैन मिस्टेक्स भी करते हैं एडमिटिंग हिज मिस्टेक्स ये भी सही है ठीक है और टू सीक द ट्रूथ ये भी सही है नेक्स्ट वन हुन एक्सेप्ट विदाउट हेजिटेशन एंड अनिट एक्ट इंटरनल टू लाइक अ साइंटिस्ट बट ही कैन नॉट क्लम डू बिकॉज यूर नो डायरेक्ट एविडेंस ऑफ साइंटिफिक बट इन स्पाइट ऑफ अन एक्सपेक्टेड मिस्टेक आई फील माई सेल्फ बी इन दिस साइड ऑफ ट्रूथ देखो यहाँ लास्ट इन दिस साइड ऑफ ट्रूथ तो ये हो जाएगा आपका टेक द साइड ऑफ ट्रूथ ठीक है साइड ऑफ ट्रूथ का वो नहीं ट्रूथ का साइड लेते हैं तो यहाँ तीनों सही है तो आप क्या कहोगे सर ऑल ऑफ दी इज करेक्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट डी ऑप्शन करेक्ट है ठीक है ना आप मैचिंग कर लेना इसके पहले वाला कौन सा था यही था साइड ऑफ ट्रूथ को क्या कहा गया है एडवोकेट ऑफ ट्रूथ ठीक है तो कौन एडवोकेट करेगा जो सपोर्ट करेगा ट्रूथ को एक्सेप्ट करना बहुत लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि वो एडवोकेट करते हैं ट्रूथ का एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं होता बेटा कि वो वो एडवोकेट कर रहे हैं आप साइड ले रहे हो ट्रूथ का आपके आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो और साइड भी ले रहे हो कि हाँ ये सही बोल रहा है ये ट्रूथ बोल रहा है तो उसको कहेंगे एडवोकेट ऑफ ट्रूथ ठीक है नेक्स्ट यहां ये तीनों ऑप्शन सही हैं तो ऑल ऑफ दी नेक्स्ट क्या है देखो द एंटोनिम ऑफ इटर्नल ठीक है एंटरनिम ऑफ इटरनल इटरनल का मीन्स क्या होता है ऑलवेज जो लॉन्ग पीरियड लॉन्ग टाइम तक लॉन्ग पीरियड तक रहता है उसे बोलते हैं ये सिनोनिम हो जाएगा इसका इटरनल लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा एंटोनिम तो आप कहोगे ट्रांजीडेंट ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट क्या होगा इसका एंटोनिम होगा ठीक है ये वर्ड नोट डाउन कर लेना इटरनल का ट्रांजिएंट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक द वर्ड सेंट शुड बी टेकन फ्रॉम दी प्रेजेंट लाइफ पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइंड वर्ड ठीक है किसका लाइफ का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए बेटा ठीक है लाइफ मतलब जीवन जियो जी। हम कहेंगे ना हमारी लाइफ है ये इट्स माय लाइफ ठीक है तो आप क्या कहोगे लाइफ वर्ड का सर पार्ट ऑफ स्पीच बताइए बताओ बेटा क्या होगा मेरी लाइफ आपकी लाइफ बहुत लोगों की लाइफ है अपनी अपनी तो क्या कहोगे सर ये है नाउन क्या है नाउन नहीं वर्ब है एक्शन नहीं शो कर रहा ये नहीं प्रीपोजिशन है नहीं, नहीं ये कंजक्शन है ठीक है नेक्स्ट है वाई कैन वाई कांट गांधी जी क्लेम टू तो बी अ साइंटिस्ट तो पहला है आपका ही इज नॉट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट फिर क्या है ही हैज स्टडी लॉ नॉट साइंस ठीक है ही हैज नो डायरेक्ट प्रूफ ऑफ साइंटिफिक रियलिटी यहां आएगा बेटा देखो बिकॉज ही हैज नो डायरेक्ट एविडेंस ऑफ साइंटिफिक वैलिडिटी ऑफ हिज मैथड नॉर ही कैन शो सच अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट एज द मॉडर्न साइंस रिक्वायर्स ठीक है तो इसीलिए क्या कहोगे वो अपने आप को साइंटिस्ट नहीं कह सकते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट ठीक है, है? इसके ऊपर भी पढ़ लेना वन देखो वन हु देन एक्सेप्ट दैम हेजिटेशन एंड वन हु अनहेजिटेंटली एडमिट दैट एक्सपेरिमेंट विद सम ऑफ ऑफ द के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे लाइफ लाइक अ साइंटिस्ट बट कैन नॉट बी अ साइंटिस्ट इधर यहां बोले हैं उसके बाद इसका रीजन दिए बिकॉज से बिकॉज ही हैज नो डायरेक्ट ऐसे करके तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट कौन सा ऑप्शन सी ठीक है ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट चलें ये हो जाएगा आपका पांच क्वेश्चन हो गए इन पांच क्वेश्चन को देख लेना ठीक है और आप बताना कि आपके कितने सही हुए हैं ठीक है इसके आगे है बेटा मैं अर्जुन बैच के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं आपको अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे रोड स्कूल में खुद को इनरोल करा सकते हैं हमारे पास है अर्जुन बैच ठीक है जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स देखो वीडियो लेक्चर्स एक्सरसाइज क्वेश्चंस चैप्टर टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड कराना है वीडियो लेक्चर्स मतलब हर एक चैप्टर का समझ लो कि हर एक टॉपिक का आपके पास वीडियो होगा आप उसे अच्छे से देखोगे कि क्या है क्या नहीं है उसके बारे में फिर आप उसका क्या करोगे एक्सरसाइज करोगे एक्सरसाइज क्वेश्चन करोगे फिर आप उसका टेस्ट दोगे चैप्टर का जो भी चैप्टर कंप्लीट होगा उसका टेस्ट दोगे ऐसे टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा जहां लिमिटेड बच्चे होते हैं वहां क्या होगा कि आप अपने डाउट्स भेजोगे अदर बच्चे उसको सॉल्व करके मतलब भेजेंगे तो क्या होगा एक समझ लो कि एक इन्वायरमेंट बन जाएगा वहां आपका कोई डाउट वाउट सॉल्व करने का तो इतना कुछ होगा बेटा अगर आप अर्जुन अर्जुन बैच लेते हो आपका एग्जाम ट्वेंटी नाइन अप्रैल को है तो आप लेट मत करिएगा बेटा इनरोल कराकर तैयारी अच्छे से कीजिएगा इसके साथ ही अगर आप 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास है नौदय अल्फा बैच इसमें भी हम वीडियो लेक्चर्स एक्सरसाइज क्वेश्चंस चैप्टर टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप दे रहे हैं तो इसमें भी आप खुद को इनरॉल करा सकते हो अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है आप ये सोच रहे कि नहीं हम पहले से ही तैयारी कर रहे हैं सर और कैसे देखें कि हम कैसा परफॉर्म करेंगे कैसा नहीं करेंगे तो इसके लिए हमारे पास है नोदय का दस मॉक टेस्ट है इसमें खुद को इनरोल करा सकते हो आप यहाँ आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दोगे आपके पास सिलेबस बेस्ट क्वेश्चंस रहेंगे टाइमली टेस्ट होगा और सबसे अच्छी बात है कि आपकी रैंकिंग यहाँ मालूम चलेगी कि आप मान लो 2000 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं टेस्ट में 1000 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें आपकी रैंक कैसी आ रही है तो रैंकिंग अवेलेबल हो जाएगी उस टेस्ट में तो आपको खुद मालूम चलेगा आप सेफ इवेल्यूशन कर पाओगे कि हाँ मैं अच्छा कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ एक होता है ना खुद को जांचना वहाँ आप जांच पाओगे खुद को ठीक है ना ये हमारे पास मॉक टेस्ट इसके साथ साथ हमारे पास नौदय के पचास मॉडल पेपर्स हैं मॉडल पेपर्स को आप डाउनलोड कर सकते हो आप इसके वीडियो सोल्यूशन देख सकते हो सिलेबस बेस्ट क्वेश्चन बेस होंगे और इसका सक्सेस रेट बहुत हाई रहा है आप सोचो ना कि आपको पचास मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं उस मॉडल पेपर के वीडियो सोल्यूशंस हैं मान लो पचास मॉडल पेपर सॉल्व करोगे कितने सारे क्वेश्चन जाएंगे अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप उसके सोल्यूशन देख लोगे वीडियो सोल्यूशन है फिर आप सोचो कि आप ऐसे करके इस अप्रोच से भी करोगे तो क्या फायदा है यहाँ कि आपका सिलेबस में थ्योरी में अगर कुछ नहीं पढ़ाया गया है कुछ छूटा हुआ है या आप किसी चीज की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाओ तो यहाँ आप कर सकते हो यहाँ उन कमी को आप पूरा कर सकते हो तो मॉक टेस्ट में खुद को जरूर इनरोल कराना एग्जाम के नजरिए से मॉक टेस्ट और आपका मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ठीक है आगे आपका है सैनिक अल्फाबैच अगर आप 2024 की तैयारी करना चाहते हो सैनिक स्कूल की तो हमारे पास सैनिक अल्फाबेच भी है इसमें भी वीडियो लेक्चर सम एक्सरसाइज क्वेश्चन चैप्टर टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड करा रहे हैं इसके साथ ही सैनिक स्कूल के लिए हमारे पास मॉक टेस्ट भी है मॉक टेस्ट में भी हम आपको अनलिमिटेड अटैम्प्ट सिलेबस बेस्ट क्वेश्चन टाइमली टेस्ट और रैंकिंग दे रहे हैं इसमें भी रैंकिंग होगा इसमें भी खुद को आप इवेलुएट कर पाओगे ऐसे करके अगर तैयारी एक प्लान वे में करते हो ना तो सबसे अच्छी रहती है आपकी तैयारी कहीं से कुछ भी पढ़ना कुछ भी देखना नहीं इतना फायदेमंद रहेगा बाद में जाके आपको मालूम चलेगा कि आप जो नहीं पढ़े थे जो नहीं जानने थे तो उससे तो आप नहीं कर पाए हो ठीक है ना तो ऐसे तैयारी करना अच्छे से प्लान वे में द्रोड स्कूल में खुद को इनरोल करा के ये बहुत अच्छा रहेगा ये आपके लिए ग्रुप है बेटा आप क्या करो क्लास सिक्स के हो तो सैनिक नवोदय करके एक ग्रुप है इसमें करा सकते हो जो भी आपको इनरोमेशन होंगे इस ग्रुप के मीडियम से भी आपको दिए जाएंगे और आगे है क्लास के लिए नवोदय सैनिक तो इसमें खुद को करा सकते हो ज्वाइन कर ले इस ग्रुप को आगे अगर आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप सिक्स टू सिक्स जीरो थ्री एट एट थ्री सिक्स वन पे कॉल करके कोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हो ठीक है ना आगे चलें नेक्स्ट पैराग्राफ पे आपके पास है नेक्स्ट पैराग्राफ पैराग्राफ पढ़ने से पहले क्या करना है आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ो उसके बाद फिर आप धीरे से फिर पैराग्राफ पढ़ना क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ लो फिर धीरे धीरे पैराग्राफ पढ़ना पहला क्या है वाटर हैज बीन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ बिकॉज ठीक है नेक्स्ट वन इज ग्राउंड वाटर मींस नेक्स्ट वन कैच द रेन कंपेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओके नेक्स्ट वाटर कंजर्वेशन विल बी विल बी एबल टू गेट रीड ऑफ वाटर ठीक है यहां इसके नीचे अंडरलाइन है वॉटर वाटर क्राइसिस इन फ्यूचर द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड ठीक है इस वाटर का पार्ट ऑफ स्पीच बताना आपको नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ दर्ड वर्ल्ड इज सिनियम ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड का सिनोनियम बताना चलो बेटा जल्दी से पढ़ो उसके बाद आंसर करो हां चलो देखो water has been an integral part of human life the availability of fresh water on earth is decreasing in such situation it needs to be stored and protected regions for water scarcity in any country such as population and a climate change can be solved with global help but it is hardly possible to reduce urbanization or energy demand एज दीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ठीक है डेवलपमेंट्स के प्रोडक्ट हैं इनको कम नहीं किया जा सकता ओके इन टाइम्स ऑफ दिस डायर सिचुएशन एंड विद द यूनाइटेड नेशन कंटिन्यूंग टू अपील फॉर वाटर एज ए स्कॉ स्कार रिसोर्स इट इज हाई टाइम दैट गवर्नमेंट एक्टिवली स्टार्ट इन वेटिंग ग्राउंड वाटर ऑप्शन सो दैट द लिविंग वर्ल्ड डज नॉट हैव टू फेस एंगर इन फ्यूचर सो दैट द एनिमल वर्ल्ड does not have to face drought in future at present the name of campaign for this repeatedly comes in front of us catch the rain campaign catch the rain campaign it means harvesting rain water and using it all of us are needed for this water conservation done even at a smallest level will be able to get rid of water crisis in future okay अब आपसे क्वेश्चन पूछा है वाटर हैज बीन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ बिकॉज क्योंग्र इंटेग्रल पार्ट है ह्यूमन लाइफ का बताओ बेटा क्यों इंटेग्रल पार्ट है वाटर ह्यूमन लाइफ का पढ़ लेना जल्दी से जल्दी से पढ़ो बेटा ठीक है आगे हम क्वेश्चंस करते हैं आप बताते जाना साथ साथ में इसका आंसर करो वाटर हैज बीन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ बिकॉज वी ड्रिंक इट सही है वी यूज वी यूज इट टू वॉश द क्लोथिस ठीक है वॉत वॉश क्लोथिस ठीक है वी यूज इट टू कुक फूड ठीक है बेटा ऑल ऑफ है यहां ऑल ऑफ लाइफ का पार्ट है क्योंकि हम इसका इतना यूज करते हैं ठीक है नेक्स्ट वन ग्राउंड वाटर मीन्स ग्राउंड वाटर का मतलब क्या है यहां बताओ आप रनिंग वाटर ऑफ रिवर्स नहीं रेन वाटर नहीं ग्राउंड वाटर रेन वाटर कैसे होगा वाटर बीनीथ दी अर्थ ये सही है जो ग्राउंड के नीचे अर्थ सरफेस के नीचे जो वाटर होता है ना बेटा उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर ठीक है ना ऐसे नहीं कि बारिश हो रही है या रिवर ऐसे फ्लो आ, क्या हो रहा है रिवर यहाँ से वहाँ चाह रहा है तो आप ये बोलोग नहीं रिवर का पानी जो है या रेन वाटर है ये सब है नहीं ठीक है रनिंग वाटर ऑफ रिवर भी नहीं होगा रेन वाटर भी नहीं होगा आपका क्या वाटर बिनीथ दी अर्थ सर्फेस पॉन्ड वाटर ये भी नहीं होगा ठीक है ना तो सी ऑप्शन सही है आपका नेक्स्ट है कैच दी रैन कंपेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ठीक है यहाँ देखो कैश दी रैन कैंपेन क्या है सो दैट द एनिमल वर्ल्ड डज नॉट हैव टू फेस ड्रॉफ इन फ्यूचर एट प्रजेंट द नेम ऑफ कैंपेन फॉर दिस इज रिपीटिडली कम्स इन फ्रंट ऑफ अस क्या है कैच दी रैन क्या है वेस्टिंग वाटर नहीं है यूज ऑफ वाटर इनफैक्ट्री नहीं है वाटर हार्वेस्टिंग यस वाटर को हार्वेस्ट करना वाटर को सेव करना यह है आपका कैच दी रैन कंपेन ठीक है कैंपेन नेक्स्ट है वाटर वाटर कंजर्वेशन विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ वाटर क्राइसिस इन फ्यूचर पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वाटर क्या है आपका नाउन है ठीक है, है, तो यहां है. ना यहां आंसर आएगा नाउन है नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ वर्ल्ड इज वर्ल्ड का सिनोनिम वाटर पर्सन ह्यूमन नहीं अर्थ है ये आपका इतना ऐसे करके पैसेज आप करना ठीक है ऐसे करके पैसेज करना देखो जो भी ग्रामर्स पूछ रहे हैं जो भी पैसेज का तरीका पूछ रहा है अगर आप इनरोल कराओगे द्रोड स्कूल में तो हम आपको ऐसे तरीके से कराएंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ आप खुद प्रैक्टिस करके खुद देखोगे कि आप कितना इंप्रूव किया ठीक है थीके? कोर्स लेने के लिए मैं आपको एक कोड बता दे रहा हूं आप क्या कीजिएगा अल्फा टेन करके कोड डालिएगा अल्फा टेन अल्फा टेन ए एल पी एच ए अल्फा टेन कोड डालकर कूपन कोड है ये आपका जहाँ कूपन कोड लिखा होगा वहाँ आप अल्फ़ा टेन कोड डालकर आप टेन परसेंट का छूट ले सकते हो ठीक इस वीडियो में इतना ही है आप मन लगा के पढ़िएगा अच्छे से पढ़िएगा ठीक है बाय